कल जनता कर्फ्यू को सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर लागू किए जाने के साथ ही आज प्रदेश के अंदर 16 जनपदों में लॉकडाउन की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। ये 25 तक 16 जनपद लॉकडाउन रहेंगे। इसमें सभी प्रकार की गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के साथ ही जनता जनार्दन से हम लोगों ने अपने घरों में रहने की अपील की है। हम सब जानते हैं कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी फैल सकती है। इस दृष्टि से सावधानी आवश्यक है और इस सावधानी के लिए हम लोगों ने इसीलिए लॉकडाउन की इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मेरा जनता से यही अपील होगी कि लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, ये वैश्विक महामारी है। दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे तमाम देशों की स्थिति बहुत खराब है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही पूरे देश को इसके बारे में चैतन्य किया, जागरूक किया और आज आम जन की जागरूकता का परिणाम है कि कोरोना को काफी हद तक भारत नियंत्रण करने में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह सफलतापूर्वक नियंत्रित है। अब तक 31 मरीज कोरोना वायरस से प्रदेश के अंदर डिटेक्ट हुए हैं, जिनमें 11 रिकवर हुए हैं। बाकी शेष की स्थिति भी स्टेबल है और तेजी से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। इसी सावधानी के लिए हम लोगों ने ये सारी कार्रवाई प्रारंभ की है। हम लोगों ने आज से अपनी इंटर स्टेट सेवाएं पूरी तरह बंद की हैं। नेपाल के लिए, बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी सेवाओं को हम लोगों ने पूरी तरह रोका है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा को भी हम लोगों ने पूरी तरह 25 तक रोकने की कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर की है। होम क्वारंटाइन के लिए जो भी संदिग्ध हैं या पिछले कुछ दिनों में बाहर से आए हैं, उन सबको होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था के लिए हमारी प्रशासन, राजस्व की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मजबूती के साथ लग करके कार्य कर रही है और इसलिए हम लोगों ने आज के दिन पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। मैं स्वयं सुबह भी और दोपहर में भी, सायंकाल भी, मैं एक एक गतिविधि पे स्वयं नजर रख करके इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। अभी कुछ ही देर में मेरी फिर से बैठक होने जा रही है जिसको लेकर के कहाँ पे क्या समस्या है। मेरी जनता से अपील होगी, पूरे जनता जनार्दन से मेरी अपील होगी कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए हम सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है। हम लोगों ने स्वास्थ्य की और ICMR के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से पर्याप्त मात्रा में लेबोरेटरी हमारे पास मौजूद हैं और इन लेबोरेटरी के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जांच की सुविधा पर्याप्त मात्रा में देने के लिए की व्यवस्था हमारे पास मौजूद है। हमारे पास अब तक 2000 बेड आइसोलेशन बेड थे जो विभिन्न जनपदों के वार्डों में मौजूद थे। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि आगामी 2-3 दिन के अंदर हम इस संख्या को 10,000 से अधिक पहुंचाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी पूरी तत्परता के साथ लगाया गया है। आज अलग अलग स्तरों पर बैठकें हुई हैं। जिन 16 जनपदों को हम लोगों ने लॉकडाउन किया है वहां पे जनता जनार्दन को इसलिए भी हम लोगों ने, क्योंकि वहां पर या तो कोरोना वायरस से जुड़े हुए लोग थे या फिर संदिग्ध थे या फिर बाहर से आए हुए लोगों की संख्या ज्यादा होने के नाते अति संवेदनशीलता की दृष्टि से हम लोगों ने इसको पूरी तत्परता के साथ वहां पर लॉकडाउन करने की कार्रवाई की। इसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, इन सभी जनपदों में वहां पर क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। ये कार्रवाई
इसलिए की जा रही है जिससे हम कोरोना वायरस के प्रकोप को रोक सकेंगे। मेरा विश्वास है पूरा देश आज अपने यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जिस एक नई लड़ाई को लेकर के संक्रांत किया है, सभी की सहभागिता इस आंदोलन में आवश्यक है। और इसके लिए मेरा सबसे अपील होगा कि सभी लोग शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा 23 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित होने के लिए, उनके स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, सभी लोगों की सहभागिता उसमें आवश्यक होगी। सबके सहयोग से ही हम लोग इस वैश्विक महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। हमारा विश्वास है आम जन की सहभागिता इसमें अत्यंत आवश्यक होगी। कल मैं स्वयं भी अलग अलग जनपदों के कुछ व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ, दवा विक्रेताओं के संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 12 बजे उनके साथ बात करने वाला हूं, उन सबसे भी अपील करने वाला हूं। हमारा प्रयास है किसी भी जनपद में आवश्यक वस्तु की कमी न होने पाए। आवश्यकता पड़ेगी हम पीआरपी 112 से ये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4500 पीआरबी 112 के टू व्हीलर और फोर व्हीलर मौजूद हैं। इसके अलावा जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, लोग घरों के बाहर न आए, अपने बारे में, अपनी डिमांड के बारे में लोगों को अवगत करा दें। हम लोग उसके बारे में पूरी तत्परता के साथ उनका सहयोग करने को तैयार हैं। ऐसे ही आवश्यक चीजों के बारे में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, इन चीजों को हम लोग वहां पर आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सभी नागरिकों के सहयोग से हम लोग इस महामारी को पूरी तरह रोकने में सफल होंगे। आम जन की सहभागिता इसके लिए आवश्यक है। यही अपील मैं पूरे प्रदेशवासियों से करूंगा कि लॉकडाउन की इस कार्रवाई में आपका समर्थन भारत को कोरोना पर विजय प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना वायरस हारेगा और भारत जीतेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आम जन की सहभागिता इस दिशा आवश्यक होगी।